सो so, दोस्तों आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में आज की इस वीडियो में हम जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं यहां पर इस वीडियो में हम चेकबुक अपलीकेशन के थ्रू जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करेंगे अब ये जो करंट अकाउंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये एन पेमेंट बैंक की तरफ से करंट अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है यानी कि इस अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बड़ी आसानी के साथ में इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो अब यहाँ पर कुछ इसकी हम खासियत बता दें तो यहाँ पर भाई प्योर आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट देखने को मिल जाएगा एक भी रुपया आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर बैठे आप इस अकाउंट को ओपन कर पाओगे अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंट ही आप इसकी मोबाइल बैंकिंग को शुरू कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और इंस्टेंट ही यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको वीडियो के वाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा और सक्सेसफुल आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो वरना इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू सारे काम आपके हो जाएंगे यहाँ पर गूगल पे फोनपे पेटीएम जैसे अप्लीकेशन

के थ्रू अगर आप एनिस्टीएल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहां पर प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएंगे और ये वाली आप अपलीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा आप सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इंटर मोबाइल नंबर का कॉलम मिलेगा तो यहां पर जिस भी मोबाइल नंबर से आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और इसके बाद में सेंड ओ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बैंक की तरफ से कुछ आपको यहां पर कंसेंट देखने को मिल जाएंगे तो सभी को अलाउ करना पड़ेगा अलाउ करने के लिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे देन इसके बाद में कुछ इस तरीके से चेकबुक अप्लीकेशन का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कई सारी आपको सर्विसेज भी मिल जाती हैं अब यहाँ पर अपन को यहाँ पर एक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करना है इसलिए ओपन न्यू अकाउंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे देन इसके बाद में फ़ोन को परमिशंस देना होगा तो वह यहाँ पर परमिशंस के लिए कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेंट ही आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अकाउंट जो आपका रहेगा वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा मात्र पंद्रह मिनट के अंदर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं यहाँ पर आपको लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पावर्ड पावरडवाई इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगी तो इन्हें आप रीड कर सकते हैं आई एग्री करेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपके फोन में दो सिम डली हुई हैं आप किस मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं जैसे सिम टू सिम वन तो आप अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद में प्रोसीड करेंगे सो इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रिएट योर प्रोफाइल का सेक्शन मिल जाएगा अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम टाइप करेंगे लास्ट नेम टाइप करेंगे ईमेल एड्रेस अपना टाइप करेंगे ठीक है आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा इस बॉक्स में पिन कोड को टाइप करेंगे इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और इसके बाद में जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा अब आपको इस कॉलम में अपने पेन कार्ड को टाइप कर देना है पेन नंबर को टाइप करने के बाद में एरो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिकलेशन आपको देखने को मिल जाएंगी तो इनको आप रीड कर सकते हो पढ़ सकते हो इसके बाद में इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे देन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अब आपका जो है आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर कुछ आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी कैसे आपको यहाँ पर आधार का वेरिफिकेशन करना होगा तो इसे आप रीड कर सकते हो हम यहाँ पर आपको लाइव सब कुछ बताने वाले हैं तो इसके लिए कंटिन्यू करेंगे देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डू यू हैव एन आधार एक्स फाइल तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार एक्स फाइल है ठीक है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है अब इसके बाद में हमारे पास कोई भी आधार एक्सएमएल फ़ाइल नहीं है तो हम आधार एक्सएमएल फ़ाइल को क्रिएट करने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में टाइप करेंगे और सेंड ओ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंटर ओ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओ सेंड करी जाएगी वो ओ टी इस बॉक्स में आप टाइप कर देंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटर शेयर कोड तो आपका जो भी दोस्तों शेयर कोड होगा आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए अब यहाँ पर आपको फोर डिजिट का कोई भी आप कोड डाल सकते हैं उसके आगे भी जरूरत पड़ेगी यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे ये वीडियो दोस्तों हमने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था इसलिए हम यहाँ पर आपको मैनअली बता रहे हैं अब इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि आपके यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर एक्सर्नल फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर मैसेज भी देखने को मिल गया है अब जो अभी हमने आपको बताया था कि आपको ये शेयर कोड संभाल कर रखना होगा याद रखना होगा वही शेयर कोड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको कैमरा एंड माइक्रोफोन का परमिशन देना होगा इसलिए कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पर परमिशंस आपको इसलिए दोस्तों देना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी एक लाइव पिक्चर क्लिक करना होगा एक फोटो को क्रिएट करना होगा ठीक है इसलिए आप कंटिन्यू करेंगे देन यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कैमरा ओपन हो जाएगा एक आपको फोटो यहाँ पर लाइव ले लेना है देन इसके बाद में कैप्चर पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी देखने को मिल जाएगी जैसे दोस्तों आपका नाम मिल जाएगा जेंडर मिल जाएगा डेट ऑफ एड्रेस एड्रेस फिल हो जाएगा पिन कोड आ जाएगा ये सब कुछ आएगा आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद में डायरेक्ट आप कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा तो क्लिक करेंगे आप मैरिड हैं या फिर अनमेरिड हैं सेलेक्ट करेंगे देन इसके बाद में देख सकते हैं कि आपकी मदर का नाम तो इस कॉलम में आप अपनी मम्मी का नाम टाइप करेंगे इस कॉलम में आप अपने पापा का नाम टाइप करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे आपका प्रोफेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी नॉमनी का नाम ऐड करना होगा अगर आपको नॉमनी का नाम ऐड करना है तो दोस्तों देख सकते हैं कि नॉमनी का नाम डालेंगे यहाँ पर नॉमनी का नाम और आपका रिश्ता क्या यानी कि जिनका आप अकाउंट ओपन करेंगे और जिनका आप नॉमनी डाल रहे हैं दोनों को आपस में रिश्ता कौन सा है रिलेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि नॉमनी का नॉमनी का डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ पर नॉमनी का अगर एड्रेस और जिनका आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है अगर एड्रेस अलग अलग है तो क्या करना है नो पर क्लिक कर देना है और इस एड्रेस को आपको फिल करना होगा और इसके बाद में डायरेक्ट आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे दैन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट मिल जाएगा जो अकाउंट ओपन करेंगे इंस्टेंट ही आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हो इसका कोई भी यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा ये सब कुछ आपको मिल जाता है ठीक है यहाँ पर दो लाख रुपये के अगर आपके अकाउंट में हो जाता है तो अपने अकाउंट को आप स्विप भी करा सकते हो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है डायरेक्ट आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि आपको कंसेंट देखने को मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पर रीड कर लेना है और इसके बाद में आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जो एन एच पेमेंट बैंक की तरफ से आपका जो करंट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन पूरी आपको देखने को मिल जाएगी तो इसे आप रीड कर सकते हो पढ़ सकते हो चेकआउट कर सकते हो अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का एक बार फिर से वेरीफ़िकेशन किया जाएगा तो डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर पर ओ सेंड करी जाएगी ओ डालेंगे वेरीफ़ाई करेंगे इसके बाद में आपके पूरे एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोस्तों देखने को मिल जाएगी जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर ई मेल जेंडर पेन कार्ड ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे देन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि आप जो चेकबुक अप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करने के बाद में लॉग करेंगे तो उसका यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन एम बनाना होगा तो ट्रांजेक्शन एम पी आई पिन यहाँ पर टाइप करेंगे दोबारा से यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद में कंफर्म पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद में दोस्तों आपके एम पी आईन को एक बार से कंफर्म करा जाएगा तो कंफर्म करने के लिए कहीं आप भूल तो नहीं गए तो यहाँ पर जो अभी आपने एम पी आईन को क्रिएट करा है वो एम पी आईन टाइप करेंगे और फॉर और, और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अगर आप चाहो तो फोर डिजिट का या तो फिर बायोमेट्रिक का जो है लॉक अनेबल कर सकते हो इसके लिए आप अनेबल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि सक्सेसफुल यहाँ पर हमारा चेकबुक में एन पेमेंट बैंक के थ्रू करेंट अकाउंट ओपन हो चुका है अब यहाँ पर हमें अकाउंट को एक्टिवेट भी करना होगा तो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिवेट योर अकाउंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब हमारी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यू पी आई आई डी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आप यू पी आई आई डी अपने आप भी बना सकते हैं ये सब कुछ मिल जाएगा उनका नाम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा डायरेक्ट यहां पर आप गो टू योर अकाउंट डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन यहां पर दोस्तों देखेंगे कि इसके बाद में सक्सेसफुल यहां पर चेकबुक अप्लीकेशन के आप डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएंगे और यहीं पर आप ऊपर देखेंगे कि आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे सो so इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर चेकबुक की तरफ से हमें बिल्कुल फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा साथ ही इसके नीचे देखेंगे कि यहाँ से आप फिजिकल डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसके नीचे कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसके लिमिट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से चेकबुक में आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है फिजिकल डेबिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो सो so अभी दोस्तों आपने जो पूरा प्रोसेस देखा है चेक बुक अप्लीकेशन के थ्रू जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट ओपन करने का यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आपको मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करना होगा यू पी कैसे क्रिएट करना होगा और यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिल जाएगा फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही दोस्तों सभी दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करना और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम